हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से एक और चैप्टर जिसका कि नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें जिसको कि हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि एपी क्या होता है। तो भाई हम जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल एक ऐसा सिक्वेंस है जिसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो जो है सेम होता है। तो चलो मैं और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, कुछ भी 4, 6, 8, 10। अब इसमें देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो जो है सेम आ रहा है, यानी कि 6 माइनस 4 क्या आएगा, 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 आएगा। 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2 आएगा। 10 माइनस 8 क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि हमने जो देखा कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये सभी में कॉमन आ रहा है, देख रहे होगे सभी में 2 ही आ रहा था, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। किसको, ये जो 2 आ रहा है हमारा, तो इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डबल एम कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, डी से, जो कि हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। वो हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 4। अब बात करते हैं कि लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। किससे डिनोट करेंगे, ए एन से डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म हमारी कुछ भी हो सकती है, इसमें मान लीजिए लास्ट टर्म हमारी 10 है। अगर मैं कहूँ कि इस एपी में सिर्फ 4 ही टर्म्स हैं, तो ये इसकी लास्ट टर्म हुई ना, तो 10 क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, जैसे इसमें कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे उन्हें किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, कितनी टर्म्स है, 4। तो भाई ये चीज़ है, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं एपी की जनरल फॉर्म के बारे में, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो भाई एपी की जनरल फॉर्म होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, है ना। अब देखिए ये होती है एपी की जनरल फॉर्म, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं इसको और इजी इसको इसकी जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं फिर से कोई एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लेकर मैं इसको समझाता हूँ आपको। अब इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं, ए और डी की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले इन वाली वैल्यूज को ही रख लेते हैं, ये वाली हम ए और डी की वैल्यूज रखते हैं। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, 4, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 4। और सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, ए क्या है हमारे पास, 4, एंड डी क्या है हमारे पास, 2, 4 प्लस 2, 6। अब ए प्लस 2d, यानी कि ए क्या था हमारे पास, 4, और डी क्या है, 2, यानी कि 2 × 2, 4, 4 प्लस 4, 8। ए प्लस थ्री डी मतलब ए क्या है, 4, डी क्या है, 2, 3 × 2 = 6, 6 प्लस 4 = 10। तो अब आप देख रहे होगे ये एक एपी बन रहा है, क्योंकि सब में डिफरेंस जो है सेम है, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख रहे होगे बार बार हम एक डी बढ़ाई जा रहे हैं, डी जो है ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, डी तो ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होता जा रहा है बार बार, 4 है, फिर उसमें 2 जुड़ गया, फिर उसमें दोबारा 2 जुड़ गया, फिर दोबारा 2 जुड़ गया, कॉमन डिफरेंस ही ऐड होता जा रहा है। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐसे ही आगे ऐड करते जाएं, तो हमारे पास सीक्वेंस आगे तक निकलता रहेगा। ए1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है,
सेकेंड टर्म क्या है, ए टू इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ए थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, ए फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री डी। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम जो भी टर्म ले रहे हैं हम उसमें डी जो है उससे एक कम रखते हैं। जैसे हमने ए टू लिया तो उसमें हमने कितनी डी रखी, एक डी। ए थ्री लिया तो उसमें हमने कितनी डी ली, दो डी। ए फोर लिया, फोर्थ टर्म ली तो हमने डी कितनी ली, थ्री डी। मतलब कि उससे एक कम डी एड करनी है हमें, डी हमें जो है उससे एक कम रखनी है हम जो भी टर्म ले रहे हैं। जैसे हम फिफ्थ टर्म ले रहे हैं तो हम क्या रखेंगे, ए प्लस फोर डी। सेवन टर्म ले रहे हैं तो ए प्लस सिक्स डी। मतलब कि डी जो है उससे टर्म से एक कम रखनी है। वैसे ही हम ए एन टर्म ले रहे हैं है ना, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ए प्लस क्या करना है, जो भी हम टर्म ले रहे हैं उससे क्या करनी है, एक कम रखनी है ना। तो हमने क्या लिए, हमने इस बार क्या लिया, एन लिया। हमने इस बार क्या लिया, एन लिया, एन लिया। तो हम इससे एक कम रखेंगे तो यानी कि एन माइनस वन, एन से एक कम एन माइनस वन इन टू डी। यही तो था, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया ए एन निकालने का, यानी कि एंथ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला बन के आ गया। ये हमें फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे ए एन निकालने का। अब बात करते हैं एस एन निकालने की, एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू एन बाय एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है हमारा एस एन निकालने का फॉर्मूला। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम एस एन निकाल सकते हैं, जैसे सम ऑफ टर्म्स है ना। तो इसमें भाई बहुत ही, ये चैप्टर जो है मुझे लगता है एनसीईआरटी में सबसे इजी चैप्टर यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो इससे इजी मुझे तो लगता नहीं है कोई और चैप्टर होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही दो फॉर्मूले हैं जो आपको ज्यादा याद रखने हैं है ना, ये दो फॉर्मूले, इनके बेसिस पर ज्यादातर क्वेश्चन होंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और इससे अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।